Hello everyone, welcome to my channel Fashion and Funnery by Reed. Hope you all are doing well. And this vlog is going to be the second vlog of this year. है ना? शायद दूसरा vlog है. और actually ना मैं आप लोग के साथ आज एक बहुत ही amazing एक चीज share करने वाली हूँ. कल मैं गई थी market veggies लाने के लिए और जब चल के आ रही थी market से तो मुझे ये चीज देखने को मिल गई और मैं वहीं पर रुक गई और थोड़ी देर रुकी रही और मैंने पूछा कि कब आओ, मुझे ये चीज़ कैप्चर करना है, मुझे मेरे YouTube फैमिली के साथ में शेयर करना है और वही चीज़ मैं आज आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. सब्सक्राइब टू फैशन एंड फाइनली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन. रोड साइड पर बैठे हुए पुअर बेगर्स यानी कि गरीब भिखारी यहाँ वहाँ से मुंबई शहर में आते हैं काम के खोज में. आखिर में जब काम नहीं मिलता है इनको तो ये लोग दूसरों के मोहताज बन जाते हैं. कब कोई कपड़ा दे, कब कोई रोटी दे, कब कोई इनका पेट भरे, कहीं से कोई तो इनको रहने के लिए जगह दे दे. ऐसे ही गरीब लोगों के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये शनीजा मैम है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है. यही मुझे आज के ब्लॉग में शेयर करना है. थोड़ी देर में हम टीचर साहिबा से भी बात करेंगे और इन छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप जो इधर ही बैठे हुए हैं इनसे भी बात करेंगे कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों रोड साइड पर रहते हैं. सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करेंगे. ये है छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप, देखते हैं इनसे बात करते हैं. हम लोग सोलापुर रहने वाले हैं. सोलापुर का है तो अभी कैसा लग रहा है जो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है. अभी वो लोग रोज आके पढ़ाता है, ये करता है, खाना देता है वो लोग को. तो यहाँ आप क्या काम कर रहे हैं? हम लोग भी नींबू मिर्ची बेचता है, पूरा बेचता है, डस्टबिन थैली बेचता है. और अगर जब लॉकडाउन लगता है तभी तुम्हारे जैसे राशन वो लाके देता है. लॉकडाउन जब लगता है तभी भी इधर ही रहते हैं? हाँ, 20 साल हो गया रहता है. तो नींबू मिर्ची बेच के कभी कभी आम बुखार भी सो जाता है. और ये लोग महानगर पाली वाले लोग जगह देने बोल के जगह नहीं देता है, कुछ नहीं. वो लोग ऐसा दूसरे का जगह पे जाके छोड़ देता है, वो लोग उधर से मार के भगाता है. चलो तुमको जगह पे छोड़ के आता है वैसा बोल के हमको जाके दूसरे के जगह फेंक के चलाता है. हमारे बच्चे लोग नंगा घूमता है, ना रहने को घर है, माँ जैसा कपड़ा ला के दो, ठंडी में कोई चादर भी नहीं ला के देता है. दुकान के सामने ऐसा सोके रहता है सब लोग. छोटा छोटा बच्चा है, आपको मदद करो. बच्चे को उधर गोद में मांग के रखा है, अभी मांगने को जाता है पैसा छीनने को. ये पैसा मांगता है, ये पैसा मांगने को जाता है. तो ये रही इनकी कहानी. ना महानगर पालिका ना हमारे देश की सरकार इनके लिए कुछ करती है, बस बड़ा बड़ा हाँकती है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है. पर करने के लिए आगे आते हैं देश का आम आदमी. सोचने की बात है, दूसरे जगहों पर ऐसे बच्चों को अ आ ई ई पढ़ना भी नसीब नहीं होता होगा और यहाँ पर बच्चे इंग्लिश पोएम सीख रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट सीख रहे हैं. आई सल्यूट टू द टीचर फॉर बेस्टोइंग एजुकेशन टू दिस चिल्ड्रन. हम लोग को 1 मंथ हो गया. इसके पहले चालू किया था हम लोग ने, लॉकडाउन के पहले सर ने और उनके फ्रेंड ने चालू किया था. तो वो चल रहा था, लॉकडाउन के बाद बंद हो गया. तो फिर हमने अवेयरनेस किया ये लोग के साथ कि ना हम लोग सिखाना चाहते हैं, आप लोग आपके बच्चे सीखना चाहते हैं. तो उन्होंने हम लोग को बोला आप आओ और पढ़ाओ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो हम लोग ने यहाँ पर आना इलेक्ट्रॉनिक्स के वहाँ पर उनको सिखाना चालू किया. तो स्लोली स्लोली 2-3-4-5-6-7-10 से ज़्यादा लोग हैं.
बट विथ प्रिकॉशंस वी आर डूइंग विथ सैनिटाइजर एवरीथिंग और मास्क इज कंपल्सरी एवरीथिंग. तो ये काम करके बहुत अच्छा लग रहा है. बिल्कुल यहाँ से जा रहे थे इतना अच्छा लगा कि मैं तो मिल गई थी. हाँ एक्चुअली उसके पहले भी बहुत सारे लोग लाइक ऐसे दे यूज्ड टू सी क्या चल रहा है क्या नहीं क्या हो रहा है. तो आधे जन इनिशिएटिव कोई बुक्स लेके जाता है कोई पेन लेके जाता है. लाइक अगर इफ वी आर नॉट गेटिंग टाइम तो वो लोग वो पर्पज से हेल्प करते हैं कि बुक्स देना. फिर उनकी अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं स्कूल में एडमिशन करवाना किसी के थ्रू. अगर कोई पे कर सकता है फीस तो अगर वो हमारे थ्रू अगर पे करवाना चाहते हैं तो बट नॉट फॉर जस्ट वन मंथ फॉर इंटायर ईयर. तो वो वैसे वैसे करके हम लोग को फीस का डोनेशन भी मिल रहा है तो उनका स्कूल का हम लोग स्टार्ट कर तो ट्यूशन यहाँ पे स्कूल वैसा. Thank you so much for your time. Thank you. बताओ पढ़ाई करके कैसा लग रहा है? अरे माँ. पढ़ाई करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. ओके आगे बढ़ोगे ना? पढ़ाई करके बड़ा इंसान बनना है ना? दिस वॉज एन अमेजिंग थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ. रस्ते पर बैठे हुए बेगर्स और उनके बच्चों को देने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकते हैं? पैसे कपड़े खाना यही सब ना. लेकिन शनीजा मैम जो दे रहे हैं इससे बड़ा दान और कुछ भी नहीं है. ज्ञान नॉलेज ये शायद ही हम लोगों में से कोई आज तक सोचा होगा कि ज्ञान रास्ते पे बैठे हुए जो गरीब होते हैं जो बच्चे होते हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं उनको ज्ञान नॉलेज उनको दान में देना उनको पढ़ाना लिखाना एजुकेशन देना ये बहुत ही बड़ी बात है. और ये जो इनिशिएटिव लिया है शनीजा मैम ने आई विश यू ऑल द लक इन दिस जर्नी. आप बहुत आगे बढ़ें और आपको बहुत कामयाबी मिले. और मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत आज एक कहते हैं ना मेरे चैनल पर ये जो चीज़ मैं शेयर कर पाई हूँ आज ये मेरे लिए मेरे चैनल के लिए बहुत ही बड़ी बात है. मैंने आज बहुत ही अच्छी एक चीज़ शेयर की है. एनीवेज ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी. लेकिन इसके पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. साथ में बेल आइकॉन को हिट कर देना. ऑल में ऊपर वाला ऑप्शन ऑल आता है उसमें हिट कर देना ताकि मेरे अगले जितने भी ब्लॉग्स या वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले मिलता रहे. इसके लिए बेल आइकॉन को हिट करना ज़रूरी है. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना. यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू वेरी सून विद अ न्यू ब्लॉग. बाय बाय.